भारत ने रोहित शर्मा के नेतृत्व में T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास बना दिया है। इस जीत के साथ ही दुनिया के दो दिग्गज बल्लेबाजों ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का भी ऐलान कर दिया है। जी हाँ, रोहित और विराट अब T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में नहीं दिखेंगे। अब सवाल है कि भारतीय टीम में ऐसा कौन सा प्लेयर है जो रोहित शर्मा की जगह लेगा। इसमें तीन नाम सबसे ऊपर है। कहा जा रहा है कि हार्दिक अब भारतीय टीम के अगले कप्तान होंगे। उन्हें इस बार के T20 वर्ल्ड कप में उपकप्तान भी बनाया गया था, इसी वजह से उनके कप्तान बनने की ज्यादा उम्मीद है। दूसरा नाम है ऋषभ पंत का। भारतीय टीम की कप्तानी के लिए ऋषभ पंत को भी एक अच्छा विकल्प माना जा रहा है, क्योंकि उनके पास IPL में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी का अनुभव है। इसके अलावा वो अक्सर विकेट कीपर होने के नाते गेंदबाजों को टिप्स देते हुए नजर आते हैं। तीसरा नाम है शुभमन गिल का। रोहित और विराट के संन्यास के बाद टीम में एक ओपनर बल्लेबाज की जगह खाली है और शुभमन गिल को रोहित का विकल्प बताया जा रहा है। इस वजह से कई लोग ये कयास लगा रहे हैं कि शुभमन गिल भारतीय टीम के अगले कप्तान हो सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम का अगला कप्तान कौन होगा? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें।